सो हेलो एंड नमस्कार बच्चों एवं साथियों, आपका जेके ऑफिशियल सर यूट्यूब चैनल में स्वागत है। चलिए आ जाते हैं, कुछ जो छूटा हुआ टॉपिक था उसको कंप्लीट करते हैं। तो आपका चैप्टर नंबर 3 है, डेसिमल्स जो है, और उसमें एक्सरसाइज 3 का डी चलेगा, ठीक है? तो फाइनल शुरू करते हैं। अच्छा, एक मिनट थोड़ा सा चेक कर लेंगे कि कहाँ तक दिख रहा है, ठीक है? तो थोड़ा सा साइन लगा देते हैं ताकि इसके नीचे ना जाए। रुक जाइए बस। इधर से तो मान लीजिए इतना पर रहेगा, ठीक है? इधर ऊपर से यहाँ तक दिखना चाहिए आसानी से। ठीक 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 यहाँ तक दिख जाएगा, जहाँ तक है। हाँ, जहाँ तक साइन लगा है, इसके नीचे नहीं जाएंगे। तो फाइनल क्वेश्चन नंबर 14 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है? मोनिका कट्स 46 मीटर ऑफ क्लॉथ इंटू पीसेस ऑफ 1.15 मीटर ईच। देखिए, एक मोनिका लड़की है मान लीजिए, ठीक है? वो कट कर रही है 46 मीटर क्लॉथ को, और प्रत्येक क्लॉथ का जो कटिंग है उसका 1.15 मीटर है। तो ऐसा लिख सकते हैं आप। अब पूछ रहा है कि हाउ मेनी पीसेस, कितने पीसेस हुए फिर अगर एक एक कट कर रही। तो यहाँ पर टोटल पहले लिख देंगे, टोटल क्लॉथ कितना है हमारे पास, इक्वल है 46 मीटर, ठीक है? और ईच पीसेस कितना है, ईच क्लॉथ पीसेस कितना है, मतलब कितना कट कर रही है ईच क्लॉथ को। तो भैया सीधा सीधा ये 1.15 मीटर कट कर रही है, ठीक है? अब बता, आपको बताना है कि हाउ मेनी पीसेस, कितनी पीसेस, ठीक है? तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं नंबर ऑफ पीसेस, नंबर ऑफ पीसेस। अब इसका क्या करेंगे, टोटल क्लॉथ जितना है वो रहेगा, टोटल क्लॉथ, और जितना कट कर रही हैं, कितना कट कर रही हैं, कट इनटू 1.15 मीटर, ठीक है? तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं ईच क्लॉथ, उससे आपको निकल आएगा प्रत्येक क्लॉथ कितना बड़ा है और टोटल क्लॉथ कितना बड़ा है। तो आपको जब इसको डिवाइड कर देंगे टोटल क्लॉथ में ईच क्लॉथ को, तो आपका निकल कर चला आएगा नंबर ऑफ पीसेस, ठीक है? तो हमारा टोटल है भैया 46 मीटर, और डिवाइड करेंगे कितने से, 1.15 मीटर से। बस यहीं से थोड़ा सा आपका जो समझदारी की बात है यहीं पर लगाइएगा, और इसमें कुछ ज़्यादा नहीं। अब देखिए, भाग देना है, सीधा सीधा डिवाइड, जिसे आप कहते हैं डिवाइड करना है। डिवाइड करते वक्त एक बात ध्यान रखिएगा कि इस दशमलव को आप हटा लेंगे तो आपको आसानी हो जाएगी। दशमलव हटाने के लिए हमने कई विधियाँ बताई हैं पिछले वीडियो में, वो जाकर आसानी से देखिएगा, ठीक है? तो आइए भैया देखते हैं 46 मीटर को। देखिए, यहाँ पर जैसे ही दशमलव रिमूव करेंगे तो यहाँ पर मल्टीप्लाई 100, ऊपर भी मल्टीप्लाई 100, नीचे भी मल्टीप्लाई 100, दोनों में हो जाएगा। तुम्हारे पास ये हो जाएगा 4600, और ये जब इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हट जाएगा, आपका दशमलव समाप्त हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा 115, तो 115 मीटर आ जाएगा। तो आप डिवाइड करेंगे आसानी से हो जाएगा, कितनी बार जाएगा, 11 चौक 44 11 55, चार बार जाएगा आसानी से, ठीक है? तो ले जाते हैं 4 5 20, और 4 1 4 2 6, 4 1 4, ये हमारा 460 से 460 पूरा कर गया, हमारे पास बचा 0। तो हमारे पास टोटल पीसेस कितनी आ गए भैया, पूछ रहा है हाउ मेनी पीसेस डज सी गेट, उसे कितने पीसेस प्राप्त हुए। तो आपके पास लिख सकते हैं 40 पीसेस डज सी गेट, ठीक है? बहुत आसानी से आप आंसर दे सकते हैं, या फिर यहाँ पर लिख सकते हैं नंबर ऑफ पीसेस करके। 40 कितना आया, 40 आया है, केवल कितना आया भैया, 40, ठीक है? बात समझ में आ गई। बस इतने में ही आपकी कहानी समाप्त थी, और कुछ ज़्यादा नहीं रखा था। तो चलिए इसको अब इरेज करते हैं थोड़ा सा, और उसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर आपका, क्वेश्चन नंबर है 15। इसमें कहा गया है मिस्टर सोनी बॉट्स सम बैग्स ऑफ सीमेंट। जो मिस्टर सोनी हैं वो क्या कर रहे हैं, कुछ बैग्स को, कुछ सीमेंट के बैग को खरीद रहे हैं। ईच वेइंग 49.8 केजी, और प्रत्येक का जो वजन है वो कितना है, 49.8 किलो है। इफ़ द टोटल वेट ऑफ द आल बैग्स इज 1792.8 केजी
है, और सभी बैगों का टोटल मिलाकर कुल बैगों का वजन कितना है, 1792.8 किलो है। तो पूछ रहा है हाउ मेनी बैग डिड ही बाय, उन्होंने कितने बैग खरीदे हैं। ठीक है, तो आ जाते हैं, तो यहाँ पर पहले लिख लेंगे कि ईच बैग वेट, ठीक है, लिख लेंगे पहले ईच बैग वेट इक्वल कितना है भैया, 49.8 kg, और टोटल बैग वेट कितना है, टोटल बैग वेट कितना है हमारे पास, तो 1792.8 kg। ठीक है, कितना टोटल बैग कितना है, टोटल बैग का वेट कितना है, 1792.8 kg। हमको क्या निकालना है, नंबर ऑफ बैग्स निकालना है। ठीक है, कितने मतलब बैग बाई किए थे, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं नंबर ऑफ बैग, नंबर ऑफ बैग्स इक्वल लिख देंगे टोटल वेट, टोटल बैग वेट, टोटल बैग्स वेट। ठीक है, ईच बैग वेट जैसे ही डिवाइड करेंगे तो आपको नंबर ऑफ बैग्स आपका आ जाएगा। तो टोटल वेट आपका कितना था भैया, 1792.8 kg, और डिवाइड में कितना करना है आपको, ईच बैग, ईच बैग हमारा कितना है, 49.8 kg। अब देखिए यहाँ पर आसानी से, अब दशमलव को हटाना है, दोनों में ही लास्ट की संख्या से पहले स्थान पर है, यानी वन क्या कह सकते हैं, वन प्लेसेस पर है, जिसको अगर मल्टीप्लाई 10 करेंगे दोनों में ही, अच्छा ये 8 है, तो मल्टीप्लाई 10 दोनों में करेंगे तो आपका ये दशमलव रिमूव हो जाएगा। ठीक है, जैसे थोड़ा सा एग्जांपल दे रहे हैं, मान लीजिए यहाँ पर कोई संख्या आपके पास 12.5 है या 12.8 ही मानिए, गुणा 10 करेंगे, जैसे ही गुणा 10 करेंगे, इसका नियम पूरा बताए हैं डेसिमल में, कि जहाँ से ही एक जब भी मल्टीप्लाई रहे तो ये क्या होता है कि आपका जो दशमलव होता है वो राइट साइड शिफ्ट हो जाता है, और यही डिवाइड में क्या होता है, दशमलव डिवाइड करने पर 10 से लेफ्ट साइड शिफ्ट होता है, तो वन प्लेसेस आपका राइट साइड शिफ्ट हो जाएगा, हमारे पास 128 आ जाएगा। इस तरीके से इसको भी करेंगे, जैसे ही 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों में दशमलव आपका रिमूव हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा कितना, 1792, अब यहाँ पर 17928 आ जाएगा 10 से मल्टीप्लाई करने पर, ये भी मेरा 498 आ जाएगा। अब आसानी हो जाएगी आपको भाग करने में, ठीक है, तो इसको इरेज करते हैं और भाग देते हैं, 17928 डिवाइड करेंगे आप 498 से, तो कितना चला जाएगा हमारे पास, 4×6=24, ज़्यादा चला जा रहा है, तो 5×3=15, देखिए अब ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, ये भी पूछ सकते हैं आप कि सर आप 5 का पहाड़ा क्यों पढ़ाएं, यहाँ तो 498, हाँ ऐसा इसलिए कर रहे हैं, 498 लगभग 500 के आसपास है, और यहाँ पर 1700 के आसपास है, तो हम क्या 5 का करके 5×3=1500 के आसपास ले जा सकते हैं, बस यही तरीका है। ठीक है, तो 3 बार ले जाते हैं इसको, 8×3=24 हो जाएगा 2, और 9×3=27, 2×29 हो जाएगा हमारे पास बचेगा, तो और 4×3=12, 2×14=1494 आएगा, क्योंकि अगर अधिक बार 4 बार ले गए तो 4×16 हो जाएगा, और ये लगभग 500 के आसपास हो, तो 5×4=20, 2000 के आसपास पहुंच जाएगा। ठीक है, लेकिन है 1792, हम 3 बार ले गए, हमारे पास आ गया 1494, तो 12 में से 4 जाएगा 8, और यहाँ पर 8 में से 9 जाएगा, सॉरी 8 में से तो 9 जाएगा नहीं, 18 में से 9 जाएगा, तो 9 बचेगा, और यहाँ पर 6 हो जाएगा, और यहाँ पर 6 में से 4 जाएगा, तो 2 हमारे पास ये संख्या आ गई, और 8 उतार लेंगे, क्योंकि 498 में 298 जाएगा नहीं, तो एक और 8 उतार लेते हैं। अब यहाँ पर कितनी टाइम ले गए, 3 टाइम ले गए, अब देखते हैं कितनी टाइम जाएगा, तो हम ऐसे जान सकते हैं 4×5=20, 4×6=24, तो हमारे पास लगभग 6 टाइम में 5 टाइम, देखते हैं अगर 4×5=25, हाँ 6 टाइम में चला जाएगा, तो 6×8=48, और 6×9=54, और 4×58 बचा हमारे पास 5, और 6×6=24, और 5×29, 29×28, 29×28 से कट गया, यहाँ पर आ गया 36, तो यहाँ पर आपको मिल गया नंबर ऑफ बैग्स कितने थे हमारे पास, 36, यही आपका आंसर है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं, क्या पूछा है, हाउ मेनी बैग्स डिड ही बाय, तो यहाँ पर लिख सकते हैं 46 मिनी बैग्स डिड ही बाई, या फिर लिख सकते हैं 36, देखिए जो लिखे हैं वही मानिएगा, थोड़ा सा बोलने में इधर उधर अंडरस्टैंडिंग अगर ना हो पा रही है आपको, तो ये लिखिएगा 36 बैग्स डिड ही बाई, ठीक है, यही आपका आंसर होगा फाइनल। तो ये भी हो गया आपका,
अब चलते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 16 में, ठीक है? तो इसको इरेज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? हाउ मेनी पीसेस ऑफ प्लाईवुड, कितने पीसेस होंगे प्लाईवुड के, जब कह रहा है ईच 0.35 सेंटीमीटर थिक है। जब क्या है 0.35 सेंटीमीटर थिक, मतलब क्या है, मोटा कह सकते हैं आप उसकी थिकनेस जो है। आर रिक्वायर्ड टू मेक अ पाइल 1.89 मीटर हाई। अब रिक्वायर्ड मेक अ पाइल का मतलब क्या हो जाएगा, जैसे आप गत्ता नहीं लगाते, एक पेन के बाद दूसरी पेन, इसके बाद और आ गई तो तीसरी पेन, इस तरीके से जो बढ़ती जाती है, इस तरी ये तरीका आपका हो जाएगा काफ़ी, जैसे इसके ऊपर अब इसके। तो यहाँ पर देखना क्या है, कितनी सेंटीमीटर ये है या कितनी मीटर ऊंचाई जाएगी, ठीक है? और प्रत्येक का बता दिया है, प्लाईवुड जितनी है, क्या कह रहा है, कहाँ गया, हाँ नंबर, हाउ मेनी पीसेस ऑफ प्लाईवुड, ईच ईच की थिकनेस दे दी है, मतलब इसकी मोटाई दी गई, तो इसके ऊपर ये, इसके ऊपर ये, ऐसे रखते जाएंगे आप तो थोड़ा सा क्या होगा, ऊंचा हो जाएगा। और कितना जा रहा है, आर रिक्वायर्ड टू मेक अ पाइल 1.89 मीटर हाई, 1.89 मीटर हाई है। तो पहले हम आप ऐसा लिख सकते हैं कि ईच प्लाई, डायरेक्ट लिख दीजिए, प्लाईवुड लिखेंगे बात वही है, ईच प्लाई थिकनेस, देखिए प्लाई वाला सिस्टम ऐसे ऐसे बार बार उस पर रखते जाएंगे, ठीक, ताकि ये पता चलता रहे। और प्रत्येक का थिकनेस आप जान चुके हैं, अभी लिख दे रहे हैं, ईच प्लाई थिकनेस कितना है हमारे पास, 0.35 सेंटीमीटर, और ले जाना कितना है हमें, 1.89 मीटर, ठीक है? तो ये थोड़ा सा 1.89 मीटर ऐसे लेकर जाना है, ठीक है? तो आकर पहले हम देखते हैं कि दोनों की वैल्यू हमारे पास सेम होनी चाहिए, ऐसा ना रहे कि कोई वैल्यू अधिक रहे कोई वैल्यू कम रहे। तो सबसे पहले हम देखते हैं 1.8 मीटर टोटल हाइट मेरी है, टोटल हाइट कितनी है भैया, 1.89 मीटर। तो देखिए फाइनल हम क्या कर काम करते हैं, हमारे पास ये सेंटीमीटर में है जो उसकी प्रत्येक क्या कहते हैं प्लाईवुड की थिकनेस है, और टोटल हाइट हमारी कितनी जा रही है, 1.89 मीटर। तो सभी को सेंटीमीटर में चेंज कर लीजिए या सभी को मीटर में चेंज कर लीजिए, तो फाइनल हम क्या काम करते हैं, सभी को सेंटीमीटर में ही चेंज कर लेते हैं, ठीक है? तो इसको सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो आप जानते हैं 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 1.89 में मल्टीप्लाई करवा देंगे 100 का, आपका आ जाएगा 1.89 मल्टीप्लाई 100 करवा देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 189 सेंटीमीटर, ठीक है? ये आ जाएगा इतना सेंटीमीटर, और प्रत्येक का कितना है 3.35 सेंटीमीटर। तो अगर आप निकालना चाहते हैं टोटल, तो टोटल निकालने के लिए क्या करेंगे, टोटल प्लाई इक्वल लिख देंगे, सॉरी 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 टोटल प्लाई नहीं, नंबर ऑफ प्लाई इक्वल कर देंगे आप टोटल प्लाई हाइट लिख सकते हैं, टोटल प्लाई हाइट बटे में ईच प्लाई हाइट, ठीक है? तो टोटल प्लाई हाइट हमारे पास 189 सेंटीमीटर है, और ईच की कितनी है, 0.35 सेंटीमीटर है। अब क्या काम करते हैं, दशमलव को अगर रिमूव करना चाहते हैं तो इसमें मल्टीप्लाई 100 और इसमें भी मल्टीप्लाई 100, इस तरीके से आप दशमलव को रिमूव कर सकते हैं। अच्छा थोड़ी देर के लिए इसको हम इरेज करते हैं ताकि आगे कर पाएँ, चलिए। तो इसको देखिए दशमलव हटाने के लिए इसमें भी मल्टीप्लाई 100 से कर देते हैं, इसमें भी मल्टीप्लाई 100 से, तो हमारे पास ये आ जाएगा 189 00, और इसको डिवाइड कर सकते हैं आसानी से 35 से, क्योंकि 35 से जब दो दस दो जीरो के मतलब मल्टीप्लाई है 100 से, तो दो जीरो कटेगा तो ये राइट साइड टू आपके लेफ्ट सॉरी राइट साइड क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा डेसिमल, तो आपके हमारे पास आ जाएगा 35 केवल। ये कितनी टाइम जा सकता है, तो 35 × 70 × 140 35 × 140 हो जाएगा हमारे पास, उसके बाद 35, तो शायद 5-6 बार चला जाए, देखते हैं कितनी बार जा रहा है, 56 30 हो गया, और 36 18 3 ज़्यादा जा रहा है, तो हमारे पास 5 बार जा सकता है, 5 25 25 हो जाएगा, 5 15 2 17 के आसपास, 175 के आसपास आएगा, ये हमारे पास 5 टाइम गया है, हमारे पास 9 में से 5 जाएगा, बचेगा 4, और यहाँ से हमारे पास 8 में से 7 जाएगा 1, अब ये टोटल कट गई संख्या, एक उतार लेंगे 0 आपका, अब कितनी बार चला जाएगा, तो 35 × 70 × 140, तो 4 बार अगर लेकर जाएंगे तो आसानी से हमारा कितना हो जाएगा, 140 पूरा का पूरा कट जाएगा, और 1 0 बचेगा तो 1 0 लगा देंगे, तो हमारे पास नंबर ऑफ प्लाई
नंबर ऑफ फ्लाई अगर निकालना चाहेंगे तो 540 आ जाएगा। तो ऐसा क्या कहा था, आर रिक्वायर्ड टू मेक अ प्लाई, तो हाउ मेनी पीसेस ऑफ प्लाई बोर्ड, तो लिख सकते हैं 540 पीसेस ऑफ प्लाई बोर्ड। ठीक है, अब आगे इसको लिखना चाहते हैं तो इस तरीके से लिख सकते हैं, हेंस हेंस 540 पीसेस ऑफ प्लाई बोर्ड। तो फाइनली ये आपका आंसर हो गया है। अब लास्ट में चलते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 17। ठीक है, इसका आंसर ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 17 में हम चल रहे हैं, इसमें कहा है द प्रोडक्ट ऑफ टू डेसिमल इज, देखिए टू डेसिमल नंबर्स आप कह सकते हैं, टू डेसिमल नंबर्स इज कितना है, 261.36। इफ वन ऑफ देम इज 17.6, फाइंड द अदर। अब आपको अदर तो पता नहीं है तो लिख सकते हैं, मान लेंगे लेट द अदर नंबर बी एक्स, उसको क्या मान लेंगे, एक्स मान लेंगे। और हमारे पास जानते हैं कि जब किसी किसी संख्या, दो संख्या का मल्टीप्लाई जब होता है तो उसमें जो उत्पाद निकलता है उसे हम मैथ में प्रोडक्ट कहते हैं। ठीक है, तो वही हमारा प्रोडक्ट है। तो यहाँ पर इसका करवाते हैं, हमारे पास पहला दिया है, लिख सकते हैं वन ऑफ देम, नहीं तो आप लिख सकते हैं फर्स्ट वन नंबर इक्वल कितना है, 17.6 है। अदर नंबर एक्स मान ली है तो यहाँ पर ऐसा कर सकते हैं, एक्स मल्टीप्लाई 17.6 इक्वल में कितना हमारे पास आ रहा है, 261.36। इसका इसमें मल्टीप्लाई करवाने पर इतना प्राप्त हुआ, तो यहाँ पर एक्स है हमारे पास, तो एक्स की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर जब मल्टीप्लाई है तो इस तरफ आएगा, रेसिप्रोकल की इस तरफ आने पर हमारा क्या होगा, डिवाइड होगा। तो 261.36 डिवाइड इंटू 17.6। ठीक है, तो इसको जैसे ही डिवाइड करते हैं, अब देखिए आप दशमलव हटा सकते हैं आसानी से, या फिर इसी में अगर डिवाइड करना चाहते हैं तो ऐसे कर सकते हैं, 261.36 डिवाइड इंटू 17.6। तो करीब 17 गुना 34 ज़्यादा जा रहा है हमारे पास, तो आ जाएगा हमारे पास, हाँ पहले एक बार क्या काम करते हैं, एक दशमलव से एक दशमलव रिमूव कर देते हैं, तो ये हमारे पास यहाँ दशमलव चला आएगा, तो आसानी से आप कर सकते हैं। तो करते हैं 17 गुना 34, 17 कम 17 जाता है, तो 176 हम ला सकते हैं। देखिए एक दशमलव से एक दशमलव हटाए हैं, इसमें कन्फ्यूजन मत होइएगा। ठीक है, फिर दशमलव यहाँ पर लगा है, तो 11 में से 6 गया 5 हमारे पास, और यहाँ पर 5 बचा, और 15 में से 7 गया तो 8, ये ख़त्म एक एक से। अभी यहाँ 85 में जाएगा नहीं, तो 3 उतार लेंगे, देखते हैं कितना जाता है, 17 चौका 68, 17 25 85 ज़्यादा चला जाएगा, 4 टाइम लेकर जाते हैं, 4 छंक 24 और 7 सत्ते 28 2 30, 4 एकम 4 3 7, 7 सौ 4 आ रहा है हमारे पास, 13 में से 4 गया 9, कितने टाइम लेगा ये तो लिखते हैं, और यहाँ पर हमारे पास बच जाएगा कितना, 4, यहाँ पर 1, अब तो जाएगा नहीं, तो 10 मिनट लगाएंगे, ये 6 उतार लेंगे अपना। अब देखते हैं 17 चौक 68, 17 25 85, 17 छक्का 102, 17 सत्ते 119, 17 38 37, 17 9 153, तो हम 8 टाइम लेकर जाते हैं, तो 8 छक्का 48, 4 8 सत्ते 56, 4 58। ठीक है, 8 छक्का 48 के 8 हो गया, 8 सत्ते 56, 4 58, 5 8 1 8 5, 13 88 आ रहे हैं, तो एक बार 13 88 करके देख लेते हैं, 16 में से 8 गया 8, और इधर हमारे पास कितना बच जाएगा, एक मिनट थोड़ा सा देख लें, तो कितनी बार जा रहा है, ये कटा 13 में से 4 गए 9 हमारे पास, 4 आया, यहाँ पर 1 बचा, ये तो बात क्लियर है, 6 उतर गया, अब कितनी बार जाएगा, 8 टाइम गया, 8 6 48 के 8 हाथ मिलेगा, 4 8 7 56, 4 58 56 4 60। ठीक है, 56 4 8 6 48 के 8 हो गया, हाथ में लगा 4 8 7 56 4 60 बचा, 6 8 1 8 6 14, 1408 आ रहा है यहाँ पर, सॉरी 1408 आ रहा है, 8 टाइम ले जाने अपना, और 16 में से 8 गए 8, इधर एक घट गया तो 8 यहाँ पर भी, इधर पूरा ख़त्म हमारे पास। अब क्या एक टाइम और ले जा सकते हैं, 0 लगा कर, क्योंकि अब तो जाएगा नहीं,
देखते हैं, 16 25 85, हाँ तो 5 टाइम लीजिए, 5 6 30 हो जाएगा। अब 17 25 85 अगर करेंगे तो आप आपका लगभग आसपास आ जाएगा ना, तो 5 6 30 हो जाएगा, 3 5 7 35, 3 38, 3 5 1 का 5 3 8, तो 880 से 880 कैंसिल आउट हो गया। तो हमारे पास जो अदर नंबर रहेगा जिसे हम एक्स माने थे, एक्स बराबर हमारे पास कितना आएगा, 14.85, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा उठा लेते हैं आपका, तो फाइनल आपको ये क्वेश्चन सभी समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा, और अगर चैनल पर आप नए हैं तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।